बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के पाक नाम से हम आज के इस कॉफ़ी विद सीईओ सेशन का आगाज़ करते हैं। ये बेसिकली एक ऑनलाइन एक हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कोविड की वजह से लोगों के जो हाई प्रोफाइल्स हैं, सीईओज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, लीडर्स हैं, चाहे वो बिज़नेस लीडर्स हों या सोशल लीडर्स हों, उनको हम पाकिस्तान के जो इतना जो इंस्पिरेशन है और जो मोटिवेशन फॉर द यंग पीपल, उनको इनवाइट करते हैं ताकि वो इस वक्त जो इतनी डिस्पोडेंसी चल रही है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा आइदर वो कोविड की वजह से हो, इकॉनमी की वजह से हो, जॉबलेसनेस की वजह से हो, जो होपलेसनेस क्रिएट हो चुकी है, उसको हम ऐसे ओवरकम करें। तो हम उसके लिए एक इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरीज़ को हम हाईलाइट करते हैं पाकिस्तान के। तो आज जो सीईओ क्लब पाकिस्तान और सीईओ टुडे मैगजीन की छोटी सी काविश है। तो आज की जो मेहमान शख्सियत हैं, ये बेसिकली ये दो खूबसूरत इंसान हैं, इसमें एक बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं सुहेल साहब, जो कि मैसेज कम्युनिकेशन जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पायनियर और एक बड़ी लीडिंग कंपनी है, उनके फाउंडर भी हैं और ऑनर भी हैं। तो वेलकम सर जी, थैंक यू वेरी मच मैनेजमेंट ऑफ सीईओ क्लब। और उनके साथ हमारे एक बड़े खूबसूरत यंग सीईओ हैं, और उनकी मार्केटिंग और उनका सारा मैसेज कम्युनिकेशन को देखते हैं वो दानिश साहब हैं, दानिश सुहेल साहब। दानिश साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, मैनेजमेंट हाउस कैसा लगा सर? सर मैं अगर आप सही पूछें, ये ऑफ द कैमरा और ऑन द कैमरा, एक तो मैं इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी कि इस बिल्डिंग के अंदर इतना कुछ होगा, लिटरली नहीं थी। और सबसे पहले चले एक जगह का बड़ा होना है, उसमें बहुत सारी स्पेसेस होना, वो एक कोई बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट बात नहीं, लेकिन उन स्पेसेस का थॉटफुल होना और उनको फ्यूचरिस्टिक होना और एग्जैक्टली और एक्यूरेट होना, ये बहुत काउंट करता है जी, और नॉन आर्किटेक्चरल बंदे के लिए। मतलब सर जजाकल्लाह, क्योंकि आपका ऑफिस से मैं खुद बड़ा इंस्पायर हूँ। आपके किसी वक्त में आपके ऑफिस में आया करता था, आपकी जो खूबसूरत जगह है जो आपका मैसेज का ऑफिस है। सर सबसे पहले लेट्स बिगन विद, आप ये क्योंकि एक गपशप है थोड़ा सा, एक इसको मैं नाम दिया हुआ गपशप थेरेपी, ये टॉक इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि हमें इतनी सीरियस बातें कर करके देख देख के जो ना वो उसे ज़रा अवॉइड करना पड़ता है। सर मुझे ये बताइए कि कोविड ने टोटल पेंडेमिक की वजह से पूरे ग्लोब को चेंज कर दिया, जैसे एक रात उठे तो एक और दुनिया थी, हमें अगले दिन उठे तो कोई और दुनिया थी। तो इसमें कोविड ने वो जो की जो दुनिया में लोगों की पैराडाइम शिफ्ट हुए हैं सर, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। सुहेल साहब आप एक क्योंकि आर्ट के बंदे भी हैं, एमसीए के आप ग्रेजुएट भी हैं, खुद भी आप फिलोसोफर हैं और एक थिंकर हैं, सर क्या आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है 4-5 महीने में कोविड के, और क्या 3 key lessons यू थिंक के एजाज है मैंने अपने आप को रीडिस्कवर किया, ये चीज़ मैंने स्टडी किया, तो 3 key lessons एज अ सुहेल यू लर्न सर? जी थैंक यू वेरी मच सर। बेसिकली तो यस, जो उसका पहला एक रिएक्शन है जो 99.9% लोगों को होगा कि जी एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर है, एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि इसमें कैटास्ट्रोफिक मतलब इसका इम्पैक्ट आया पूरी दुनिया के अंदर, और उसकी तबाही और उसका बाकी चीज़ों के ऊपर उसका असरअंदाज होना, मोर्टेलिटी और मतलब बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, ये अपनी जगह एक हकीकत है। लेकिन सर दुनिया इसी तरह ही चेंज होती रही है, हमेशा दुनिया का जो ऑर्बिट चेंज होता रहा है वो इन्हीं वाक़यात की वजह से ही चेंज होता रहता है। चेंज कहते हैं ना, नथिंग इज़ परमानेंट बट चेंज, तो उसमें एक तो है कि आप नेचुरल फ्लो में कोई चेंज अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाती है कि जो आनी होती है, जो एक प्रोसेस है, लेकिन एक होता है कि जो फोर्स आपका जो एक चेंजिंग ऑफ ऑर्बिट होता है वो नेचर की तरफ से हो या शौरी तौर पर हो या वो लाशौरी तौर पर हो। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमारा ऑर्बिट चेंज हो गया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो नेगेटिव चेंज हुआ है या वो पॉजिटिव चेंज हुआ है। ठीक है, दुनिया की सोच आगे मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में फ़र्क होगी, दुनिया की जो प्रायोरिटीज़ हैं मुल्कों की, टेक्नोलॉजीज़ की, वो कोविड के पर्सपेक्टिव में होंगी और लोग उस तरह से सोचेंगे। मुझे लगता है जंगों के बारे में रीथिंक करना पड़ेगा, और शायद इससे पहले जो एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट तो था, लेकिन इतनी मेरे ख़्याल में उसको महसूस नहीं किया गया होगा ग्रास रूट लेवल तक दुनिया के हर मुल्क में कि वाकई दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, इन अ पॉजिटिव सेंस और मनफी अंदाज में भी। वो मनफी अंदाज में ये कि वहाँ अगर किसी को कोविड होता है तो हमारे गांव में भी डर लगता है कि सुबह को मुझे ना हो जाए, और पॉजिटिव ये है कि जी हम एक पूरी दुनिया अगर देखा जाए तो हम एक कम्यूनिटी हैं और हमें
इस कोविड ने एहसास दिलाया कि हमारे अगेंस्ट अगर कोई ये कोविड की शक्ल में कोई एनिमी है तो हमें सबको इंसानियत को मिलकर बचाना है उसको। तो मुझे लगता है कि दुनिया शायद कलेक्टिव सोचना शुरू करेगी बजाय कि हम इंडिविजुअल या हम सरहदों के अंदर बैठ के सोचें, और सोचना भी ऐसे ही चाहिए। ये हमारा एक घर है जो दुनिया है, शायद अल्लाह ताला का तोहफा है जिसे हमें बचा के रखना होगा। तो एक बात तो इसमें ये है, ज़बरदस्त। दूसरी बात जो मुझे समझ आती है वो ये है कि अगर इकोनॉमिकल इसको हम एंगल से देखें तो ज़ाहिर है कि दुनिया एक टर्माइल में आई है, दुनिया एक मतलब एक क्रंच में है इस वक्त बहुत बड़े, लेकिन शायद यही हमारे फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है। इसी ने हमें नई राहें, नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, इससे नए बिजनेसेस जन्म लेंगे, इससे नए मतलब आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बनेंगे। तो डिपेंड करता है कि हम अब इसका ग्लास खाली वाली साइड पे बैठना है या ग्लास हम भरी हुई साइड पे बैठना है। तो मेरे ख़्याल में दुनिया इतनी समझदार ज़रूर है कि अब, और मुझे लगता भी है कि हमें वो ग्लास जो पॉजिटिव अप्रोच है हमें उसी की तरफ जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शायद अगर ये पेंडेमिक से मुसीबत बहुत आई है तो इससे अपॉर्चुनिटी भी कई गुना ज़्यादा आपको फ्यूचर में मिलेंगी। दुनिया एक नई दुनिया होगी, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इसके बारे में। बस ये न्यू नॉर्मल जो अभी न्यू नॉर्मल जो है ये नॉर्मल होने जा रहा है। ठीक ठीक। और नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो हेल्थ की तरफ लोगों की अपनी जो इस लाइफ को जो नेचर की तरफ लोगों का ज़्यादा एक तवज्जो हुई है। दानिश, ओवर टू यू, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, के कई लर्निंग्स आपने, एक माशाल्लाह आप एक नई नस्ल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने क्या सीखा, की लर्निंग्स लेसन्स फ्रॉम द कोविड? अच्छा, इसमें जो की लर्निंग है जो कोविड में, अब कोविड जिस तरह हम लोग इसको कहते हैं कि ये कि न्यू नॉर्मल है, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि मतलब दुनिया में चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट ना। चेंज आज भी आया, कल भी आएगा और 100 सालों तक आता रहेगा। तो उसमें ये है कि हमें बेसिकली सबको ये पता चला है कि हमें प्लानिंग वाइज हर आस्पेक्ट वाइज हमें मतलब वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। इसमें जो प्रायोरिटीज़ हैं दुनिया की, स्पेशली जो फर्स्ट वर्ल्ड की, वो बहुत बदलेंगी, जो बाउंड्रीज़ हैं वो और ब्लर होंगी, और जो बेसिकली ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है वो और प्रोमिनेंसी के साथ बेसिकली ऊपर आएगा। कि अब पहले तो लोग कहते थे ना कि टेक्नोलॉजिकली वर्ल्ड कनेक्टेड है, कि इट इज़ अ ग्लोबल विलेज, अब ये है कि ये और कॉन्सेप्ट फर्दर रीडिफाइन हो जाएगा कि यार ये कोविड ने बेसिकली एक पर्टिकुलर नॉन विजिबल चीज़ ने पूरी दुनिया को बेसिकली ट्रबल में डाल दिया। तो इसकी जो फर्दर रिप्रकशंस होंगी वो ये हैं कि लोगों को बेसिकली इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी, फिर स्टेट लेवल के ऊपर भी, वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी, लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ को रीडिफाइन करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमें इमरजेंसी और कंटिजेंसी प्लानिंग के ऊपर नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। हम जहाँ पे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर उसको अब प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक। सुहेल साहब, एक इसी तरह इसी मुझे बताइएगा कि आपका ज़िंदगी गुजरी है कम्युनिकेशन, खासकर जो डिज़ाइनिंग ऑफ द मैसेजेस, आप जो लेटेस्ट जो आ गया है पेंडेमिक के दौरान और बाद में, क्या चेंजेस देख रहे हैं स्पेशली मीडिया के वाले से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसके बाद फिर एक नया आ गया सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, अब क्या प्रायोरिटाइज अंडर द कोविड, और ये इस वक्त करंट चेक क्या है रियलिटी का, बड़े इस वक्त चैलेंजेस किए हैं इस मीडिया के, तीनों जो मैंने मीडियम शेयर किए हैं, और फ्यूचर क्या होने जा रहा है सर अंडर द कोविड, और ये स्पेशल जो टेस्टिंग टाइम्स हम देख रहे हैं और देखते आगे पता नहीं कितना सर देखेंगे, व्हाट डू यू से सर? अदरवाइज़ जी, जो हमारे सोशल मीडिया की जो इमर्जिंग है वो तो कुछ अर्सा पहले शुरू हो चुकी थी। ठीक है। और वो डे बाई डे मेच्योरिटी की तरफ चल रहा था, लेकिन हुआ ये कि पेंडेमिक आने की वजह से अगर वो हम तक उस सोशल मीडिया ने अपनी उस पूरी जो पूरे थ्रस्ट के साथ अगर 5-10 साल के बाद पहुंचना था, तो शायद कोविड की वजह से वो स्पीड अप हो गया, और कोविड ने एज ए कैटलिस्ट उसके अंदर अपना रोल प्ले किया है और हमें फोर्स किया है कि हम उस मीडियम को इस्तेमाल करें। हमें ज़रूरत थी उस मीडियम की, और पहले शायद वो इस हद तक था कि हमारे लिए वो लेयर था या एक पार्ट टाइम जॉब थी, लेकिन अब वो हमारे लिए बुनियादी एक फंडामेंटल जिसको हम कहेंगे कि ज़िंदा रहने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए वो ज़रूरत बन गई है। इसमें नेचुरली कुछ पहले से भी ऐसा एक प्रोसेस का आगाज़ हो चुका था कि जो प्रिंट मीडिया है
और बिलखसूस और बिलमूम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो गए थे, पूरी दुनिया में हुआ लेकिन हमारे यहाँ भी हो रहे थे। शायद हमारे यहाँ इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा थी क्योंकि पढ़ने का रिवाज हमारे यहाँ पे वैसे ही कम है, हम अखबार नहीं पढ़ते ज़्यादा, लोग किताबें नहीं पढ़ते और शायद तस्वीरें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो चूँकि तस्वीरी खबरनामा था तो वो शायद लोगों को ज़्यादा सहल लगा और उनको ज़्यादा वो लगा कि हम तो जो प्रिंट के ऊपर आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर? अगर मैं एक्सक्लूसिवली बाकियों को साइड पर रखे सिर्फ प्रिंट का फ्यूचर देखूँ, क्या समझ, चाहे वो मैगजीन्स हों, पेपर्स हों या कोई और जो प्रिंट के जो रिलेटेड चीज, इवन डायरीज आती थी, कैलेंडर्स आते थे, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ प्रिंट मीडिया? मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। जब कैमरा 18s में आया है, 70s के एंड पे आया, 80s में आया, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन खड़ा हुआ था वो ये हुआ था कि पेंटर्स कहाँ जाएंगे। आज तो मतलब आज पोर्ट्रेट के लिए तो कैमरा है हमारे पास और हम एक तस्वीर एक मिनट के अंदर उतार लेंगे, तो पेंटर्स तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन आज भी पेंटर जिंदा है, आज भी उसकी एक अपनी वैल्यू है और एक डिफरेंट मुकाम के ऊपर है, एक डिफरेंट उसकी अपनी एक सोसाइटी के अंदर एक हिस्सा है। तो लिहाजा ऐसा नहीं होगा, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। ये कैमरे वाली मिसाल सस्टेन करेगा, मीडियम सस्टेन करेगा। हो सकता है कि इसके कुछ नॉर्म्स बदल जाए, हो सकता है इसकी इसका इसमें कोई ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस आए। एक कन्वेंशन क्या समझते हैं, वेस्ट को कहाँ देखते हैं कि वेस्ट में मीडियम प्रिंट मीडिया का क्या स्टेटस है? जी देखें सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो डेफिनेटली प्रिंट मीडिया का हिस्सा लिया है, पूरी दुनिया में लिया है, ठीक है, इफ़ेक्ट तो हुआ है, लेकिन जितना हमारे यहाँ हुआ है शायद वेस्ट के अंदर उतना नहीं हुआ होगा अभी तक, चूँकि रीडिंग हैबिट्स हैं वहाँ पे और लोग पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि वही जो कैमरे वाली मिसाल है कि वो एक अपना मुकाम बना लेगा जी। खत्म ये सवाल मैंने बड़े सीनियर एक जर्नलिस्ट से किया था, उसने कहा जहाज कभी आप किसी बिल्डिंग में जाते हो, या आपका उसको मैं स्ट्रेंथन कर रहा हूँ आपके इस कॉन्सेप्ट को, कि वो कह रहे हैं कि किसी बिल्डिंग में जाओ तो वो वहाँ एक लिफ्ट लगी होती है, अगर आपने 10th फ्लोर पे जाना है तो आपने जहाज कभी ऐसी बिल्डिंग देखी है लिफ्ट के साथ स्टेयर्स ना हो? जस्ट यू रिमेंबर आई रिकॉर्ड, मुझे कोई ऐसी बिल्डिंग आज तक जिंदगी में नजर नहीं है जिसके साथ स्टेयर्स ना हो। कहता बस ये वाली एनालॉजी है कि जहाँ भी स्पीड आएगी, डिजिटल आएगा, उसके साथ प्रिंट स्टूडियो का काम करेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा जी। और प्रिंट के अपने डायनामिक्स हैं, उसकी एक अपनी पोजिशनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक की भी अपनी पोजिशनिंग है, और अभी बहुत टाइम लगेगा इनको, मुझे लगता है सोशल मीडिया को ऑथेंटिकेट होने में, अपनी पोजिशनिंग जो जो छपा हुआ लफ्जों की जो हुरमत है ना, हुरमत है, वो अभी नहीं रिप्लेस हो सकती डिजिटल के साथ, अभी नहीं, अभी तक नहीं। बट इज योर टेक हो कि आप तो बिजनेस डेवलपमेंट से भी देखते हो, उस एंगल से क्या आपकी ठीक है? अगर इसको बिजनेस डेवलपमेंट एंगल से देखा जाए, कमर्शियल एंगल से देखा जाए, हम ये देखा जाए कि क्लाइंट या ब्रांड्स बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा स्पेंडिंग करना शुरू हो गए, जिस तरह कहा कि जी प्रिंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्लाइंट भी उसको अंडरस्टैंड करता है, लेकिन अगर हम इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बजट अगर पूरे मार्केटिंग स्पेंड का पहले 2% था जो डिजिटल था, अब वो बेसिकली 11-12% हो गया, और जो ज़्यादा डाउनफॉल आया वो बेसिकली प्रिंट का है। प्रिंट अभी सिर्फ वो ब्रांड्स बेसिकली कर रहे हैं जो असल ब्रांडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि यार एक प्रॉपर ब्रांड बिल्डिंग के लिए या इमेज बिल्डिंग के लिए प्रिंट का एक अपना मकाम है और उसकी अपनी अहमियत है और उसका अपना टारगेट ऑडियंस है, उसकी एक अपनी परसेप्शन बेसिकली वो डेवलप करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेसिकली लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स पे बिलीव करते हैं, लोग बिलीव करते हैं ब्रांडिंग में, बाद में बिलीव करते हैं सेल में, पहले बिलीव करते हैं, तो उसके लिए डिजिटल का अकाउंट बिल्कुल बढ़ गया, प्रिंट का कम हो गया, क्योंकि वो प्रिंट जो है वो एक्सपेंसिव है, डिजिटल बेसिकली लेस एक्सपेंसिव भी है, ज़्यादा रीच भी है और ज़्यादा। मैं आप एक से आपसे क्वेश्चन करूँ, मुझे अगर आप अगर मैथमेटिक्स की स्टैट्स की बात करूँ, पाकिस्तान का टोटल जो कोविड से पहले या कोविड में टोटल मीडिया बजट था क्या इन टर्म्स ऑफ अपना डॉलर्स या पैसे पाक रुपीस क्या था, और क्या उसका मिक्स क्या था तीनों का? जो पाकिस्तान की टोटल बेसिकली पर एनम जो साल की स्पेंडिंग है मीडिया के ऊपर, प्रिंट के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर और डिजिटल के ऊपर इंक्लूसिव, वो तकरीबन $800 मिलियन थी। अरोड़ा ने लास्ट ईयर की जो इनकी बेसिकली फिगर है $800 मिलियन, उसमें जो सबसे ज्यादा शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक का था, जो बेसिकली हमारे सैटेलाइट चैनल हैं। फिर उनका कितना पाई चार्ट में क्या पार्ट था? तकरीबन 47% था। ओके ठीक। फिर उसके बाद 30% समथिंग था प्रिंट का, और उसके बाद फिर कोई 14-15% था इसका डिजिटल का, फिर अदर आउटडोर और ये वो। अभी क्या ये शिफ्ट हुआ पैराडाइम? बेसिकली हुआ ये है कि प्रिंट का पहले 40s में था, वो
रिड्यूस होके बेसिकली 30s में आ गया, जो वो शेयर चला गया डिजिटल को, और इलेक्ट्रॉनिक का भी डिक्रीज हुआ, लेकिन इतना वो मार्जिनल एक बहुत मीगर सा डिक्रीज है। ज़्यादा डिक्रीज प्रिंट का हुआ है, क्योंकि प्रिंट के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, जिस तरह हमारे यहाँ तो स्पेसिफिकली प्रिंट इंडस्ट्रीज ने उस तरह एडवांसमेंट नहीं की। अगर हम बेसिकली पेपर वाइज देखें या बेसिकली उनके कंटेंट वाइज देखें, उसकी बहुत बहुत ज़्यादा डिटेरियेशन हुई है, जिसकी वजह से लोगों का प्रिंट पे ट्रस्ट बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। अब वही बेसिकली आपका, क्योंकि डिजिटल रिजल्ट ओरिएंटेड भी है और इसमें क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन विद टाइम ये मीडियम्स टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो रहे हैं कि ये उस क्रेडिबिलिटी एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, अपने आप को क्रेडिबल करने की कोशिश। मतलब ये कि जो सुहेल साहब, ये जो बेसिकली जो इनोवेशन का पार्ट है, जिसको आजकल कहते हैं, दिस इज द कोविड से पहले भी बात चल रही थी, कोविड ने तो ये कील लगा दिया कि नो, दिस इज द एज ऑफ रियली डिसरप्शन। हर तरफ डिसरप्शन हो रही है, और डिसरप्शन में जैसे कल हमारे जियो जंग के जो हमारे ग्रुप MD हैं जंग के, शर्मा साहब से टॉक हो रही थी, उन्होंने एक अपने हमसाया मुल्क की एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि इजाज वहाँ उन्होंने जिन्होंने सरवाइव किया या जिन्होंने थ्राइव किया बिजनेस में, उन्होंने न्यूज़ की बजाय व्यूज़ को ले आए, न्यूज़ की बजाय नाजिया व्यूज़ को ले आए, व्यूज़ को, क्योंकि यार लोग न्यूज़ को अब पुराना ज़माना हो गया है, अब व्यूज़ को शेयर करें, और उसके बाद इंग्लिश की बजाय इंग्लिश को ले आए। सर व्हाट इज इंग्लिश, क्या हिंदी और इंग्लिश का जैसे हमारी रोमन अंग्रेजी लिखी जाती है, तो ये ज्यादा तादाद में लोग पढ़ते हैं। जैसे हमारे अगर आपके मैसेज आ जाएगा रोमन उर्दू में इंग्लिश में, तो मुझे नहीं पढ़ा जाता, लेकिन नई नस्ल पढ़ लेती है, वो करती उसी में मैसेज है। मैं भी नहीं पढ़ सकता, मैं भी, आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो, लेकिन वो एक चंद एक सेगमेंट है जो नहीं पढ़ सकता, बाकी मेजोरिटी पढ़ सकती है। तो उन्होंने कहते जब उन्होंने इनोवेट किया इसको, इंग्लिश को लेके आए, तो उनका जो मैगजीन या उनका जो मीडियम था वो ज्यादा हिट हो गया, कम्युनिकेटिव ज्यादा, क्योंकि वो नहीं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि जो बेसिकली ये जो हमारे मीडियम्स की हम बात कर रहे हैं, हमने अपनी नई नस्ल जो टीनएजर्स हैं उनके साथ डिस्कनेक्ट हो गया, जो पुराने वाले थे। तो सर सुहेल साहब, ये आपसे और आपसे दोनों सीखे, हम अपनी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, चाहे प्रिंट हो, चाहे आपने एक मैथमेटिकली बताया, हम अपनी नई नस्ल के साथ कैसे कनेक्ट करें, वो क्या मॉडल लेके आए कम्युनिकेशन का, क्या मैसेजिंग में, कंटेंट में, क्योंकि कंटेंट का भी कहता है क्वालिटी का। सर व्हाट इज योर टेक सर? इफेक्टिविटी में अगर हम बात करें और कंपैरिजन करें प्रिंट को और डिजिटल को, तो उसमें एक जेंडर से ज़्यादा जो एज फैक्टर अभी बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस तरह ये अपने एज ग्रुप में, इसके नज़दीक शायद अखबार का या प्रिंट मीडिया का वो रोमांस नहीं है जो मेरे अंदर होगा, जो एक पास हिस्ट्री होगी, जो एक रोमांटिसिज्म होगा अखबार पढ़ने का, बैठ के धूप में महसूस करके एब्जॉर्ब करके, तो वो एक नौजवान नहीं समझ सकता, चूँकि उसने वो उसकी वो ग्रूमिंग नहीं, ग्रूमिंग ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। सेकेंडली, अब इंफॉर्मेशन का दौर है, नॉलेज का दौर नहीं है, मतलब शऊर का दौर कम है और इंफॉर्मेशन का दौर ज्यादा है। ऐसे करें, शोर का कम है, शऊर, 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 अच्छा मैं समझा कि शऊर का कम है, शोर का ज्यादा, शोर का ज्यादा है, आप ऐसे कर ले, वेल सेड, शऊर का कम और शोर का ज्यादा, बड़ा बड़ा खूबसूरत जुमला है, ये तो शेर हो गया है, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। तो उसमें अभी इनकी वो बैकग्राउंड नहीं है, अभी भी जो आपके जो चीज़ अंदर उतरती है वो लिखे हुए लफ्ज उतरते हैं, वो देखे हुई स्क्रॉल करती हुई चीज़ें नहीं उतरती। हाँ, आप तक वो एक ऐलान हो जाता है, एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, लेकिन वो इनहेल नहीं करते आप उस किसी भी चीज़ को, इनहेल नहीं करते, अंदर कोई भी नहीं उतरती है आपके। आगे फ्यूचर क्या होगा, या शायद कभी चॉइस ही ना रहे, तो मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में डिजिटल इतना डोमिनेट कर जाए कि लोग अखबार या कागज़ ही ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सर आप क्या कहते हैं, योर टेक ऑन योर लेटेस्ट रिसर्च क्या कहते हैं? मेरी बेसिकली टेक ये है कि हर मीडियम की अपनी अहमियत और इम्पोर्टेंस तो बेसिकली है और रहेगी। हाँ, उसमें ये देखना पड़ेगा कि किसका प्रोपोर्शन कितना कम हो गया या कितना ज़्यादा हो गया। ओके, अगर हम रियलिस्टिकली देखें और मतलब प्रैक्टिकली देखें, तो प्रिंट मीडिया स्पेसिफिकली या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इनका जो शेयर डिक्रीज होने में जो सबसे मेजर रीज़न है वो है कि बेसिकली एडवांसमेंट नहीं हुई इन दोनों मीडियम्स में। बेसिकली जो आपको डिजिटल ने बहुत चंद अरसे में अपने प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के बाद इतना एडवांस कर दिया कि उसने अपना अच्छा खासा शेयर ले लिया। और इसमें जो एक और है, जो अब कंपैरेटिवली, पहले तो शायद, अब लाइफ बेसिकली कंपैरेटिवली बहुत फास्ट है। यस, आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, आपके पास टाइम कम है, तो उसमें यह है कि लोग इंस्टेंट रिजल्ट ऑन द गो
मतलब रीडरशिप की हैबिट बिल्कुल होनी चाहिए, एक फिज़िकल बुक की, और वो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी अपनी फील है और उसकी एक अपनी ग्रूमिंग है, लेकिन लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है, जिसकी वजह ये मीडियम बेसिकली अपनी इम्पोर्टेंस बरकरार रखेंगे लेकिन उनका स्टेटस कहीं ऊपर नीचे कहीं हो जाएगा। सर सर एक आपसे एक सर जी, अब आप मैं मैसेज के वाले से क्वेश्चन करूँगा, आपकी जो जिंदगी गुजारी आपने एडवर्टाइजिंग में और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, जो एजेंसी आपकी, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये हमारा क्या पहले में जो 20-25 साल पहले मजाज में अब क्या फ़र्क है रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ थाट्स, क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव वर्क होता है? अब एक हमारा आज भी था, पहले भी था कि एक खातून को ले आओ किसी एडवर्टाइजमेंट में, हलो जी आपके एड्स की आई बॉस बढ़ जाते हैं या रेटिंग बढ़ जाती है, तो क्रिएटिविटी का फुकदान है या बजट ही जो सेट है वो पैसे नहीं देता अच्छे काम करने के लिए? क्या वजह हुई कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो बाहर के मजाए हैं या बाहर के जो एडवर्टाइजिंग का जो काम है क्रिएटिविटी, वो पूरी कौम का एक मजाज लगता है उसके अंदर, एक नेशन का टेस्ट आता है उसके अंदर, आप उस कागज़ को उस तस्वीर को देख के वाह वाह करते हो, तो क्या चैलेंजेस है सर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के रिगार्डिंग द स्किल्ड, रिगार्डिंग द क्रिएटिविटी, रिगार्डिंग द अपना बजट, व्हाट डू यू से सर? ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपकी सोसाइटी के मिजाज के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो जिसकी आप अल्टीमेट प्रोडक्ट होते हैं, इंसान भी और उसका किया हुआ रिफ्लेक्शन बेसिकली जी, एग्जैक्टली आपकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं, माशरती कंस्ट्रेंट्स हैं सबसे पहले, फिर हमारी नेचुरली मजहबी हवाले से हम उस तरह से नहीं अभी इतने आज़ाद के जिस तरह हमसाया मुल्क के लोग या दूसरे लोग हैं, हम उसका उसे भी हमें उसकी कुछ बाउंड्रीज में हमें रहना पड़ता है। थर्डली मैं समझता हूँ कि इसमें मानने में कोई अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है कि हमारा लिटरेसी और जो एक अवेयरनेस का लेवल है वो भी कंपैरेटिवली अगर हम बिल्कुल अपने साथ हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करें तो शायद कुछ लोगों को गर्मी चढ़े या ठीक ना लगे, लेकिन वो रियलिटी ये है कि उसकी कोई भी वजूहत हो सकती हैं कि वो एक बेहतर इस वक्त जगह पर खड़े। हम ये अज्यूम करके घर से चलते हैं, सबसे पहले जो मैं ये अज्यूम करता हूँ एज ए एडवर्टाइज़र कि जो मेरा क्लाइंट है उसकी इतनी समझ नहीं है, उसको शायद इतना, मैं अगर कोई एक ऐसा आइडिया लेके जाऊँगा जो ज़रा सा मुश्किल है तो शायद उसको समझ नहीं आएगा। अच्छा, मैं मीडियोकर हो जाता हूँ, वहीं पर मीडियोक्रिटी शुरू हो जाती। मेरा जो एडवर्टाइज़र है वो ये सोचता है कि जिन लोगों को मैंने ये ऐड दिखाना है, जिन लोगों को मैंने ये पैगाम पहुँचाना है, उनका इतना शायद अंडरस्टैंडिंग का या इंटेलेक्ट लेवल नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ सकेंगे। अच्छा, वो हम सारे कंफर्ट जोन में चले गए, ठीक, और कंफर्ट जोन की ट्रेजेडी ये होती है कि ऊपर को नहीं जाता, नीचे की तरफ आता है। तो लिहाजा हम सारे कंफर्ट जोन में रह के हमने अज्यूम कर लिया है कि हम इस तरह हैं, अवाम इस तरह है, एडवर्टाइज़र इस तरह, हमने अपने अपने पैराडाइम फिक्स कर, एक पैराडाइम फिक्स होके हम उसके कैदी बन गए। और मुझे बाज़ुकत ये बड़ा कुछ सहना पड़ता है जब मैं कभी किसी क्लाइंट की तरफ जाऊँ तो वो एग्जैक्टली आप वाली मिसाल देते हैं कि यार वो आपने फलां ऐड देखा है फलां इंडिया का या फलां का, तो आप क्या बना के ले आए? तो लिटरली मैं वो सारा कुछ करके वापस आ गया हुआ हूँ क्योंकि मुझे कोई यार रिफॉर्मर नहीं बनना था, मैंने कोई रोज़ी रोटी भी कमानी थी, तो वो मेरा काम चल नहीं रहा था, मतलब लोगों को समझ वो गालिब वाले साहब हो जाते ऐसे बंदे के साथ कि यार आपका शेयर तो अच्छा था पर समझ नहीं आया हमें, तो ये एक मीडियोक्रिटी है, ये उस वजह से डिक्लाइन आ गया, क्या डिक्लाइन स्टीरियोटाइप्स बिहेवियर्स में, स्टीरियो कंफर्ट जोन में चले गए, और सारे लोग, हम भी, एडवर्टाइजर भी, अवाम भी। और दानिश आपसे एक बड़ा मेरा ये सर आपकी तरफ बाद में आऊंगा, एक बड़ा अब थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है सर, आई नीड अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। इस वक्त ब्लड बात चल रहा है, ब्लड बात से मतलब है कि मीडिया का जो बजट था 2 साल पहले की जो 2019 के सरकार की तरफ से रिलीजेज आती थी, उसके बाद पिछले कॉर्पोरेट को जो बिजनेस सेक्टर जो सपोर्ट करता था वो बजट का जो पाई चार्ट, जैसे हमारी GDP 5.6 माइनस में चली गई, इसी तरह वो बजट भी स्क्वीज होकर आधा रह गया, उसकी वजह से वो जो 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 उतना ब्लड बाथिंग शुरू होगी कि कंपनियों ने, अदारों ने, एजेंसियों ने या मीडिया हाउसेज ने, ठीक है, उन्होंने अपने सारा कट ऑफ करना शुरू कर दिया, अपने ह्यूमन रिसोर्स को अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे उन्होंने बड़ा बंदे निकाल दिए, बंद हो गए, मर्जर्स हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं, कई चैनल्स, कई एजेंसियां बंद हो गई, और उसका एक सोशल इम्पैक्ट हुआ कि जो बड़े बड़े 20-20 साल के जो तजर्बाकार लोग थे वो बेचारे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं या कोई बेचारे ने कोई ढांचड़े लगा रही है। तो
क्या इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है एग्जैक्ट, आप बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ के अलावा जो दूसरे क्या चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल्स के, तीन तीन महीने छः छः महीने सैलरीज नहीं मिल रही स्टाफ को, और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के क्या चैलेंजेस और क्या वे फॉरवर्ड है सर प्लीज़। अभी जो बेसिकली स्पेसिफिकली एक तो कोविड का तो इसमें अपना रोल है ही है, स्पेसिफिकली इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो नई गवर्नमेंट आई पीटीआई की, उसके बाद जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत बहुत एक उसमें ह्यूज डिक्लाइन बेसिकली आ गया। उसमें ये था कि जो बेसिकली फॉर्मर गवर्नमेंट थी वो भी स्पेंडिंग कर रही थी, वो भी अनरियलिस्टिक थी। उसकी वजह से एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये हुआ कि ये बेसिकली एक हाइब्रिड टाइप इंडस्ट्री बन गई। इसमें बेसिकली इस तरह की मशरूम ग्रोथ हो गई कि जो लोग बेसिकली सिर्फ दो या चार लोगों पे मुश्तमिल थे उन्होंने भी बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोल ली, जिससे बेसिकली इसका जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और उन्होंने बेसिकली लोगों को रोज़गार देना शुरू कर दिया, बिजनेस जनरेट करना शुरू कर दिया। अब वो ये था कि वो बेसिकली ट्रू एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल तो थे नहीं, ना उनकी बैकग्राउंड थी, ना उन्होंने बेसिकली विद टाइम बेसिकली ग्रो किया हुआ था। अब जब वो बबल बेसिकली बर्स्ट हुआ स्पेसिफिकली इस गवर्नमेंट के टेन्योर में, जब वो सस्टेन नहीं कर सके, तो उससे बेसिकली इस कोविड से पहले भी मीडिया इंडस्ट्री में क्राइसिस आ चुका था। बहुत पीक के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट थी, इसमें बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी थी, इसमें मीडिया हाउसेज भी थे, इसमें और दीगर जो मतलब मीडिया से एसोसिएटेड कंपनीज हैं जो वो भी थी। अब इसका बेसिकली जो वे फॉरवर्ड है वो ये है कि बेसिकली फॉर्चुनेटली हम लोग इस सेंस में बेसिकली लकी थे या फॉर्चुनेट थे कि बेसिकली हमारा बैलेंस पोर्टफोलियो था। हम बेसिकली कमर्शियल सेक्टर को भी करते थे और गवर्नमेंट सेक्टर को भी करते थे। हम बेसिकली अनइंटेंशनल ऑटो ट्यून हो गए थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ, स्पेसिफिकली जो लास्ट 10 ईयर्स में, जो ये 2008 से 2018 तक, क्योंकि उसमें बहुत सारे रीजन्स थे, फैक्टर्स थे कि वो बड़ा क्विक बिजनेस था और बहुत ह्यूज बिजनेस था। उसमें ये था कि अगर कमर्शियल सेक्टर में आप एक्स एक बिजनेस करते थे तो इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर आप करते थे, इतना एक ह्यूज डिफरेंस था। तो ऑटोमेटिकली हमारे लोग भी उस तरह हो गए, ट्यून हो गए। फिर ये है कि विद टाइम हमने 2-2.5 सालों से रियलाइज कर दिया कि ये बेसिकली सस्टेन नहीं करेगा। हमने मजीद इंक्लाइनेशन अपनी कमर्शियल क्लाइंट की तरफ करना शुरू कर दी। और आपके तो नहीं कोई पैसे फंसे सरकार की तरफ से? नहीं, बिल्कुल है, बड़े लोगों के पैसे फंसे, रो रहे लोग बिल्कुल है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमने काफी रिकवर कर ली। हम उस तरह को बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे, हम डिपेंडेंट नहीं थे गवर्नमेंट के ऊपर, हम ज्यादा कमर्शियल के ऊपर। जो तो, जो एजेंसियां जो 100% डिपेंडेंट थी वो तो क्रैश कर गई, वो बिल्कुल क्रैश कर गई, वो अब सस्टेनेबल नहीं है, अब वो सस्टेन नहीं कर सकती। हमने एक तो कमर्शियल की तरफ मूव किया, और 2014 में हमने अपना एक डिजिटल विंग बना दिया एमसी डिजिटल के नाम से, मैसेज कम्युनिकेशन डिजिटल के नाम से, जो कि डिजिटल स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि बेसिकली हम अगर जितने क्लाइंट्स मैसेज में हैंडल करते हैं, इसको इक्विवेलेंट क्लाइंट ही हम जो कन्वेंशनल एजेंसी में हैंडल करते हैं, उतने ही हम बेसिकली डिजिटल में। वेरी गुड, आपने वो एक अपनी बिजनेस मॉडल चेंज किया, हमने बिजनेस मॉडल अपना बदला, हमने बेसिकली डिफरेंट सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जो कि शायद बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में नहीं एग्जिस्ट करती, अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाने की कोशिश की। तो इस वजह से हम अभी कंपैरेटिवली ट्रबल में हैं, लेकिन उस तरह ट्रबल में नहीं है जो सोलली बेसिकली उस पर डिपेंडेंट है मतलब आपने इस वक्त को यू आर द प्रोएक्टिव बेसिकली बिल्कुल प्रोएक्टिव है तो आपने वो देख लिया टाइम आने हमने इवन इस कोविड की जो एपिसोड को भी रियलाइज करते हुए हमने अपने डिजिटल विंग को और एक्सपैंड किया कि हम इसमें बेसिकली जो स्पेसिफिकली ई कॉमर्स रिलेटेड सर्विस आ रही है जो अब अपकमिंग ब्रांड्स हैं उस तरह ब्रिक एंड मोर्टार या जो फिजिकल स्टोर्स हैं वो लोग जाएंगे लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, ज्यादा लोग अब ऑनलाइन बाइंग को बेसिकली प्रेफर करेंगे। ई कॉमर्स ऑनलाइन अगर हमने बेसिकली वो भी अपनी एक सर्विस ऐड किया, स्टाफ हायर किया, अब हम उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। जबरदस्त। मुझे ये बताइए कि एक और बड़ा सर ये एक मुश्किल सवाल है आप दोनों से कि बहुत ज्यादा लेऑफ्स हो गए मीडिया में, खासकर एजेंसीज में। तो जैसे आपने कहा एजेंसीज पूरी पूरी कंपनी बंद हो गई, आपके मैसेज में चाहे डिजिटल हो चाहे दूसरी ट्रेडिशनल हो, सर आपने तो लेऑफ्स किए या कोई राइट साइजिंग के नाम पे या कोई सैलरी कट की है? अच्छा, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मतलब अक्सर लोग मुझे बाद में पूछते हैं कि सर यह कट दी है जो तुम मतलब जज्बाती हो गए तो दस देते। तो उसके लिए देखें जी, दो मेरे ज़िंदगी को गुजारने के दो तरीके हैं, एक तो ज़ाहिर है फिज़िकल और एक मादी जो तरीका है, और दूसरा मेरा कोई एक अजीबो गरीब तरीका है, वो चूँकि शायद बाबे हो गए हम इसलिए शायद उस हमने हाँ एक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 6 लोग किए हैं, वो लोग किए हैं कि जो शायद एक बहुत लेविश बिजनेस में तो वो सरवाइव कर सकते थे, लेकिन
मतलब बाकी और हमारे किसी काम में आना उनके लिए मुश्किल, पेनफुल डिसीजन थे मेरे लिए, बहुत पेनफुल था, पेनफुल उसकी। अब उसका मैं आपको जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो ये बताता हूँ कि बुनियादी तौर पर जी मैं बड़ा, मैंने वो छोटा सा बिजनेस से, बिजनेस भी नहीं कहना चाहिए, अभी भी वो है मेन मार्केट में, दुकान है उसकी कबाड़िए की, तो 500 रुपए की मेज़ मैं उससे लाया और किसी दोस्त के दफ्तर में रखी और उसको मैं, तो ये मतलब वैसे ही मैं इसको लंबा आपको बोर नहीं करूँगा इसके बारे में, तो वहाँ से शुरू किया और करते रहे जो भी करना था। तो मेरा एक बड़ा फेथ है, वो मैंने आपकी बात रोक के कहा था कि आपको लगता होगा कि आपके सर पे कोई है, वो मैं चूंकि इस सारी फीलिंग में से गुजरता रहता हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने, अच्छा मेरा ये मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे कुछ पैसे दिए होंगे वो शायद मेरे लिए सिर्फ नहीं होंगे, उसमें किसी और लोगों का भी हिस्सा होगा, अगर वो दे रहा है तो आगे भी देता रहेगा, तो लिहाजा मैंने किसी को नहीं निकाला, कि अल्लाह से था कि तूने इनको रखवाया, तू इसको, इनको इनकी रोजी रोटी का मैं जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार। मैंने अपने बंदों को इकट्ठा किया, उनको कहा कि बहुत कम पैसे आ रहे हैं, तनख्वाहें भी पूरी नहीं हो रही, दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप जाओ, नेचुरली आप लोगों को महीने के एंड के ऊपर कुछ पैसे चाहिए होंगे, आपके घर में चाहिए, किसी ने किराया देना है, आटा लाना है, घी लाना है, तो आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ से आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाए, इतने पैसे आप कमा सको, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, दोबारा आके इसी जगह बैठ जाना, मैं खुद बता दूंगा कि पैसे आ गए, नौबत ही नहीं आई जाने की, अल्लाह ताला ने फिर गाड़ी को चला दिया, मेरा मजीद फेथ हो गया कि जी मैं आम नोबडी जो कर रहा है ऊपर बैठा हुआ है, मुझे शायद उनकी वजह से शायद मेरे घर में भी चल रहा होगा कोई सिलसिला, तो शायद उनका एहसान होगा कि मेरा सिलसिला वो चला रहे। और दूसरी एक थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन भी हो गई, जिस तरह दानिश साहब ने कहा कि हमने डिजिटल विंग, इस तरह हमने, मैंने कोई दो ढाई साल पहले एक मार्केटिंग विंग शुरू किया था, फॉर्चुनेटली उसमें बड़ी बरकत डल गई थी, तो अल्लाह ताला ने उसको वो ग्रो कर गया, तो ठीक रहा। और इसमें एक जो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये ले ऑफ्स हुए या इस तरह की जो चीज़ें हुई, अब इसके अंदर जेन्युइन लोग रहेंगे। मैंने ऐसे लोग भी एडवर्टाइजिंग में देखे जिनका मेडिकल स्टोर था, उसने कहा गवर्नमेंट का बहुत बजट है, दफ़ा मारो यार, एक दो डिज़ाइनर रखो घर पे और मतलब गवर्नमेंट का काम पकड़ो और शुरू कर दो। बड़े तंग थे हम उसमें, और बड़े फैक्टर्स थे हमारे मार खाने के, फिर हम इसको हम फसली पटेरे कहते हैं, वो भाग गए, वो सारे भाग गए, ज़ाहिर है उनका वो काम ही नहीं था, हमें कुछ और आता ही नहीं इसके अलावा करना, तो हम कहीं जाएंगे नहीं। तो लिहाजा मुझे लगता है कि ये एक अच्छी, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अब जो प्रोफेशनल लोग होंगे उनके लिए राह ज़्यादा हमवार होगी, स्टे करेंगे जी, वो स्टे करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हमने किया है जी, और कुछ हमने तनख्वाहें भी थोड़ी सी कम की और उनको कहा कि अगर हमें तौफीक हुई तो हम ये भी जमा करके आपको दे देंगे बाद में इंशाल्लाह, वो तो तारीफ अच्छा टाइम आएगा। सर मुझे ये बताइए दानिश, आपके लीडरशिप जो है, जो कि आप माशाल्लाह सीईओ भी हैं अपनी जो डिजिटल कंपनी आपने बनाई और बिजनेस डेवलपमेंट भी देखते, किसी सीईओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है जो आज के टेस्टिंग टाइम्स में है कि अपनी क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए, ये नया लीडरशिप के अंदर एक नया फिनोमेनन, क्योंकि जो हार्वर्ड की रिसर्च है वो ये भी कह रही है कि असल लीडरशिप वो टेस्टिंग टाइम्स में पता चलती है, बाकी वो सारे एक बड़े सीमेंटिक्स अल्फाज ही होते हैं। आप तीन ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसेस समझते हैं कि एक सीईओ में या मेरे अंदर या कोई भी बिजनेस कर रहा है किसी कंपनी में, उसके अंदर ये कॉम्पिटेंस हों वो क्राइसिस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है? देखिए उसमें ये है कि स्पेसिफिकली इस क्राइसिस के बाद जो मतलब लीडरशिप में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है और जो होनी चाहिए बेसिकली, वो ये है कि बेसिकली एक तो लीडरशिप का होता है कमर्शियल एस्पेक्ट, कि मैं क्योंकि वो बेसिकली बड़ा टेक्निकली साउंड बंदा है, वो बड़ा एक शूट बिजनेसमैन है, वो बड़े अच्छे कमर्शियल डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से उसकी कंपनी को बहुत बेनिफिट होता है। एक ये है कि उसका बेसिकली एम्पथी फैक्टर जो होता है ना, जो बेसिकली जो थॉटफुल है या जो बेसिकली रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है या जो फीलिंग फॉर अदर्स है, तो कंपैशन है, वो कंपैशन है जो बेसिकली केयर फॉर अदर्स है, इन दोनों को बेसिकली अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बाद बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका जो बिजनेस एंगल और उसका ह्यूमन एंगल, क्योंकि अगर इस स्पेसिफिकली इस क्राइसिस में अगर जो इमीडिएट रिएक्शन होता है वो ये होता है कि जी ले ऑफ किया जाए, उसका कमर्शियल एस्पेक्ट सोचा जाए कि मेरा एक्सपेंस है, पता नहीं मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन
उसके साथ साथ उसका बेसिकली जो वो एस्पेक्ट है जो एम्पैथी वाला एस्पेक्ट, दोनों को बैलेंस करना, उसको बैलेंस करना है। हो सकता है कि अगर आप आज ये डिसीजन ना लें तो आप इनिशियली तो बेसिकली थोड़ा सा आपको सेटबैक होगा, लेकिन लॉन्ग मतलब लॉन्ग रन में आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा, मतलब बेनिफिट फाइनेंशियली भी और मतलब दूसरे जो सा सोशल एंगल है वो बड़ा, यानी कि लीडरशिप को ये देखना है, लीडरशिप को दोनों फाइन बैलेंस, हां दोनों के दरमियान बैलेंस करना है लीडरशिप को। सर साहब आप क्या कहते हैं? मैं तीन इसके अलावा कुछ चीजें बताएं। जी जी मैं तीन लव्स कहूंगा जी, वो क्राइसिस हो या वो नॉर्मल हालात हो या आप प्रॉस्परस हो। बिलखसूस आपने जो कि क्राइसिस की बात की, ऑनेस्ट ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर की तरह हमारे ईमानदार, कंसिस्टेंट हो और फेथफुल हो, कंसिस्टेंट हो और फेथफुल हो। फेथफुलनेस की आखिर में जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि बीज डाल के नजर नहीं आ रहा होता कि निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, वहाँ आपको फेथफुल होना पड़ता है। ये तो आपके बेसिक किसी ये नॉर्म जी बेसिक पिलर है, इसके ऊपर सारी और बनती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अगर हम ब्रॉडर सेंस में भी देखें, चले ये तो एक मैंने लाइट मोड में बात की है, ऑनेस्ट होना बड़ा एक ब्रॉडर इसके एक मीनिंग है कि आप हर हालात में ऑनेस्ट हैं, आप अपने लोगों से ऑनेस्ट हैं, आप रिलेशन कैसा डिपेंड करता है, क्राइसिस से पहले आपका उन लोगों के साथ रिलेशन किस तरह का था, फिर वही रिलेशन रिफ्लेक्ट होगा क्राइसिस के दौरान भी आपके लोगों का। हो सकता है कि जो मुसीबत आपकी डिसऑनेस्टी की वजह से उस वक्त उनके बिहेवियर की वजह से आ सकती है वो ना आए, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि आपका एक पिछला रेफरेंस चल रहा होता है उन लोगों के साथ। और दूसरा क्राइसिस में मुझे लगता है कि पैनिक होने की बजाय रियलिस्टिक और ऑनेस्ट डिसीजन करने चाहिए, वो कोई भी हो, वो कोई कोई भी बस ज़बरदस्त। दानिश आप माशाल्लाह नौजवान हैं, अभी सर सुहेल साहब के पास आते हैं, अगेन ये बड़ा आज के हवाले से, जब बहुत ज़्यादा मायूसी होती है, होपलेसनेस एंड जॉबलेसनेस जब इकट्ठी चल रही हो, इस वक्त तो इस वक्त पाकिस्तान में मेरा ख्याल पूरी ग्लोबली जितनी यूएसए में जॉबलेसनेस हुई है पूरी दुनिया में किसी जब मुल्क में नहीं हुई होगी, लेकिन पूरा यूरोप हिट हुआ है, सीरियसली हिट हुआ है, और अब पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं बहुत हिट हुए हैं, इतनी पूरे के पूरे सेक्टर वाइज ख़त्म होते चले गए। तो इस सारे सिनेरियो में अपनी स्ट्रेस को, अपने बिजनेस स्ट्रेस हो चाहे वो पर्सनल स्ट्रेस हो, अपनी एंग्जाइटी को, अपने डिप्रेशन को, अपनी जो एक बंदा अपना डाउन फील कर रहा होता है, उसको कैसे मैनेज किया, कोपिंग स्ट्रेटेजी क्या रिकमेंड करते हैं आप? अच्छा, उसमें कोपिंग स्ट्रेटेजी मैं ये रिकमेंड करूँगा, जिस तरह हमने फेथ की बात की, एक स्ट्रेस है, टर्मोइल है, उसमें जो ह्यूमन माइंड है वो बेसिकली ट्रेंड इस तरह का होता है कि वो ओवरथिंक करता है हर एस्पेक्ट का, बेसिकली वो पहले नेगेटिव साइड सोचता है फिर वो बेसिकली पॉजिटिव साइड सोचता है। अब जब इन्वायरमेंट है ही सारा डिप्रेसिंग नेगेटिव है, तो फिर आपका नेगेटिव वो मल्टीप्लाई बाय पता नहीं कितने टाइम ज़्यादा हो जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाता है। उसमें यह है कि ह्यूमन माइंड का एक कंस्ट्रेंट, मतलब एक कंस्ट्रेंट है, एक लिमिटेशन है। उसके बाद फिर मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप उसको स्टॉप कर दें और फिर अपनी फेथ में बिलीव करें तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको मतलब यू हैव टू लिव विद इट। तो इसको कोप करने का बेहतरीन तरीका ये है कि यू स्टॉप थिंकिंग और फिर यू सी के जी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, मतलब बंदा शाम के टाइम सनसेट को देख ले तो उसको ये लगेगा कि ये सूरज तो ग्रूब हो गया लेकिन जवाल नहीं है, सुबह ये फिर निकल आएगा। जी एग्जैक्टली, जवाल और ग्रूब में मैं अक्सर फर्क समझाता हूँ। हाँ, बड़ी खूबसूरत, क्या खूबसूरत है सर जी, हम आपके सामने क्या मिसाल दें, आप बहुत खूबसूरत, जवाल में और ग्रूब में फर्क है, हम ग्रूब हो गए जवाल नहीं है, ये तो आपने दिल को लगी है जी, ये बात बहुत बहुत खूबसूरत बात, वासव मुझे लगा वासव अली वासव को कुछ आपने कह दिया है सर, वो साधों की मोहब्बत है, ये मैनेजमेंट हाउस होने की याद में सर, लिटरली सर। मुझे एक सवाल और छोटा सा है कि सुहेल साहब आप माशाल्लाह जिंदगी, आपने कहा कि आप बाबे बन गए हैं, और ये दो तरह के बाबे, एक शफाक अहमद के बाबे भी हैं हमारे बहुत बड़े राइटर, मुझे ये बताइए कि जो आजकल जो आपके जो हर बंदे का कोई मेंटर होता है, जैसे आपके कोई मैं हर बंदे की, जैसे वासिफ साहब की बात की मैं क्या अभी मैंने जिक्र किया, ही वाज माय मेंटर, आपके कौन मेंटर रहे हैं डिफरेंट स्टेजेस में, जो जो आपके बाबे थे, जो आपके इंस्पिरेशन थे, जो आपके रोल मॉडल्स थे, दो तीन, और क्या सीखा उनसे? अगर आप रियलिस्टिकली पूछें तो मेरे वालिद साहब कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, और मेरा ताल्लुक भी कोई बहुत बड़े किसी खान वादे से नहीं था, बड़े एक छोटा सा घर, छोटे से लोग और आम से लोग जो रोज़ गलियों में फिरते हैं। मैंने ऑनेस्टी अपने बाप से सीखी। क्या बात,
हम बहुत गरीब से लोग थे, लेकिन मैंने अपने बाप से ज़्यादा ऑनेस्ट किसी को नहीं देखा शायद। तो अपने अब्बा से ऑनेस्टी सीखी, और ज़िंदगी में मेंटर बदलते रहते हैं और मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि औकात मुख्तलिफ होते हैं, तो बहुत सारे लोग मिले। और जिसमें सबसे ज़्यादा टच किसने किया? सबसे ज़्यादा टच जी मुझे एक मेरे दोस्त तो नहीं कहना चाहिए, उस वक्त मैं मैट्रिक में पढ़ता था, शायद एट्थ में था या नाइन्थ में था, तो कोई हमारे नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में था, एनसीसी पता नहीं आपको याद है होती थी नेशनल, अच्छा आपको याद, अच्छा मैंने कहा शायद आपने ना किया, मैंने कहा आपके ज़माने तक शायद ख़त्म होगी हो, तो वो एनसीसी होती थी तो उसमें सूबेदार साहब होते थे, तो वो पता नहीं वो मुझे कोई ख़ास नज़र अनायत रखते थे कि मतलब उन्होंने मुझे कभी कहना अच्छा यार तुम शाम को मेरी बैरक आना, वहाँ पे कोई दाल पकती थी और उनका लंगर पकता था, तो मुझे वो बड़ी गर्म रोटियाँ और वो दाल पसंद होती थी, वो कोई बहुत ऊंची चीज़ थे, और वो मुझे कभी कभार यही छोटी छोटी बातें समझाया करते थे। और फिर उन्होंने एक दफ़ा मुझे एक तीन लफ्ज़ बताए कि तुम ज़िंदगी में ये पढ़ते रहना, इंशाल्लाह कभी कुछ मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा। और अल्लाह ताला के वो था जी, उन्होंने मुझे तीन लफ्ज़ बताए जो मेरी एक ज़ात का हिस्सा बन गए हैं, या रहीमा रहम कर, या करीमा करम कर, या अल्लाह तू फजल कर। तो हाँ, या रहीमा तू रहम कर, या करीमा तू करम कर, या अल्लाह तू फजल कर, या अल्लाह तू फजल कर। तो वो अपना फजल अंदर ऐसे लगी मुझे कि वो फिर सारी ज़िंदगी गई नहीं, और मुझे हमेशा वो कहते थे कि तुम कोशिश क्या करो कि दुरूद पढ़ते रहा करो और आयतुल कुर्सी पढ़ते रहा करो, तो वो फिर आपकी एक सेकंड नेचर बन जाती, तो मेरी वो नेचर बन गई वो, बाकी तो सब अल्लाह की तरफ से जी। और मेरी मदर मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी जी, मेरे फादर का बहुत पहले इंतकाल हो गया था और मैं पढ़ता था लाहौर में, मैं बलोचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है जी, और से तो ज़ाहिर है ना कुछ खाने को था ना कुछ था, तो मेरी अम्मा जो थी वो करती थी वहाँ पे, सर्दी चूँकि बहुत ज़्यादा होती क्वेटा में, तो वो लोगों के स्वेटर बुनती थी और फिर वो पैसे मिलते थे और फिर मुझे बेचती थी, और उससे मैं जो भी थोड़ा बहुत पढ़ सका वो मैं उससे पढ़ा। तो लेकिन मैंने उनको बहुत इगोइस्टिक देखा एक पॉजिटिव सेंस में, दानिश को भी पता है बहुत बहुत ज़्यादा, तो मैंने उनसे ज़्यादा समझदार अपनी ज़िंदगी में नॉट बीइंग अ मदर अदरवाइज मैंने बहुत कम लोग देखे जो हर क्राइसिस में, जिन्होंने मेरे बाप को भी बन के मुझे पाला और मतलब मेरी माँ को माँ बन के भी पाला, और आज कोई लम्हा जी इस तरह का नहीं होता, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी से, कि कभी वो मेरे साथ ना हो, मतलब आप उनको महसूस करते हैं 24 घंटे। हाँ, सुहेल साहब इसके ऊपर भी मैं गेंद एक ऊपर से वारद हो रहा है जी, कि रहम में और करम में क्या फ़र्क होता है, कि रहम वो होता है जो चीज़ मांगने से मिले वो रहम है, जो बगैर मांगे मिले वो आए हाय हाय हाय, जो बगैर, तो ये तो फिर मुझे आज समझ आई ये बात, जो ये जो तीन लफ्ज थे वो रहम है, और तीसरी भी सुन लीजिए, और जो अगर अगर तलब सच्ची हो तो मतलूब सामने आ जाता है। क्या खूबसूरत, तो ये जरा थोड़ा सा टाइम लगेगा ना जी, एक दिन में समझ नहीं वो ये वो कहते हैं ना बड़े ये बड़े कर्म के हैं फैसले, बड़े मतलब सच्ची होती है जी, तो मतलब खुद ही आ जाता है, मतलब सामने आ जाता है, आ वो सामने हकीकत बन जाता है, हकीकत बन जाता है। दानिश आप बताइएगा कि आजकल के, जब भी मैंने कॉपिंग स्ट्रेटजी की बात की, फेथ का क्या रोल है आज की, यकीन की बड़ी कमी है, कहते हैं जी कि आज के दौर में वही सरवाइव करेगा है सुहेल साहब जी सर, जिसके पास या ईमान है या इम्यून है। फिर आप गूगली करा के जिसका इम्यून से स्ट्रांग है, ईमान या इम्यून की कहानी है, फिर आप गूगली करा के, ये कोविड से निकलना छह महीने जो अगले टॉप है, आप ये क्या समझते हैं ईमान या फेथ या बिलीव की क्या इंपॉर्टेंस है कि सरवाइविंग दिस टफ टाइम्स? देखिए मैं मतलब मेरा ताल्लुक बेसिकली एक मतलब जनरेशन जो नई जनरेशन से है बेसिकली मेरी गैदरिंग भी उसी में है, उसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा कमी है इसकी फेथ की, बहुत ही ज़्यादा कमी है, वो बेसिकली उसमें बिलीव करते हैं कि वो कहते हैं कि जी आज मैंने ये एक्ट किया है तो मुझे उसका रिटर्न शायद कल नहीं, मुझे विद इन नेक्स्ट सेकेंड बेसिकली मिल गया। और हम जो स्पेसिफिकली यंग जनरेशन है वो सारी बातें बेसिकली कमर्शियल एस्पेक्ट की रिगर कर रही होती है
कि जी मैं अगर ऐसे कर लूँ तो मैं ऐसे ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, मैं ये कर लूँ मैं वो ज़्यादा काम कर लूँगा, वो बेसिकली अदर देन बेसिकली वो थॉटफुल नहीं होते, वो डीप नहीं होते, जैसे वो उनकी वो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, उनकी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं होती, उनकी कन्वर्सेशन होती है हाइब्रिड कन्वर्सेशन होती है, वो ये कन्वर्सेशन होती है कि आजकल ये चल रहा है तो मैं आजकल ये कर लूँ, आजकल ये चल रहा है मैं आजकल ये कर लूँ। हाँ, अडेप्ट करना चाहिए, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा सुपरफिशियलिटी, बहुत सुपरफिशियल, बहुत आर्टिफिशियल, और बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं कि जो जिसे कहते हैं ना कि नॉन बेसिस, जो मतलब जिसका कोई रैशनल ना हो या जिसकी कोई बेसिस ना हो उस पर, उसकी वजह है। सुहेल साहब ये जो बात कर रहे हैं, अक्सर कहता हूँ हमने रोटी खा के जवान हुए थे, ये जिंगर बर्गर खा के जवान, असल में जो मुझे लगता है ना, जो जिस चीज़ का नुकसान हुआ है वो नुकसान ये हुआ है कि बिलीव ख़त्म हुआ, अब वो बिलीव के सेंस में ख़त्म हुआ, हमने एक्सीलेंस पे बिलीव करना ख़त्म कर दिया। मैं एक मीडियोक्रिटी की तरफ चले गए, हालांकि अल्लाह मियाँ ने इंसान के अंदर बड़ी मतलब एक्सटेंशन रखी हुई होती हैं, वो जब उसको एक्सप्लोर करना चाहे, वो एक मुँह वाला स्विच होता है, दो मुँह वाला होता है, तो मुझे लगता है इंसान में कई मुँह वाले स्विचेस अल्लाह ताला ने लगाए, आप कुछ भी लगा लें इसके साथ, तो वो जो स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस दैट इज एक्चुअली लैकिंग। असल में वो जो आपने वो जो होता है ना, उसको मैंने इसका नाम दिया 212। अच्छा, जो आपका जो अच्छा, बोल रहे हैं स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस, इसका बकायदा साइंटिफिक नाम है। अच्छा, 212 उसका नाम है। अच्छा अच्छा, स्ट्राइविंग फॉर, ये आप आपको अच्छा अच्छा दोबारा कभी जिक्र करें। अच्छा, 212 सर पूछते हैं जाज, वो क्या है 212 बेसिकली सर 211 पे पानी जो होता है ना वो बॉइल करता है फॉरेनहाइट पे, साइंटिफिक फिनोमेना जी जी, और 212 पे पानी जो होता है ना स्टीम में कन्वर्ट होता है, जो 211 तक अक्सर लोग चले जाते हैं वो 12 तक नहीं जाते, तो एक जो होता है 212 के देखे डिबान से लेकर 12 तक पहुंच जाते हैं, कितनी लंबी 212 तक 11 तक चले जाते हैं, लेकिन जो 1 जो होता है ना जो फॉरेनहाइट का डिफरेंस, दैट मेक्स अ रियल डिफरेंस। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को, मैं कभी जाऊँ किसी जगह बच्चों के लिए कोई छोटी मोटी बात करने, तो मैं उनको एक मिसाल देता होता हूँ कि तीन लोगों को बराबर का राशन दे के, बराबर की उनको कपड़े पहना के, बराबर की टोपियाँ पहना के, उनको कहे जी डेजर्ट हमने क्रॉस करना है, वो क्या वजह है कि आखिर में तीनों नहीं पहुँचेंगे, कोई एक पहुँचेगा कोई दो पहुँचेंगे, हालांकि दोनों के लिए बराबर सब कुछ, एवरीथिंग वाज इक्वल एंड सेम, वहीं पर वो फेथ और उसकी वो सारी सर, उस फेथ के पीछे और भी वजह सर, सर वो ना दो शेर होता ना वो भागते जंगल में, तो हरण आगे आगे शेर पीछे पीछे, हरण निकल जाता है शेर पीछे थक के आ जाता है, उसका दूसरा जो दोस्त होता ना कहता यार तुम अब बूढ़े हो गए, तुम अभी शिकार नहीं कर रहे, देखो ना वो भाग गया, निकल गया, कहता नहीं 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 ऐसी बात नहीं है मैं बूढ़ा नहीं हुआ, कहता फिर वो कहता बात यह है कि मैं अपने लंच के लिए भाग रहा था, अपनी जान के लिए भाग रहा था, उसका मोटिवेशन लेवल और है, मेरा मोटिवेशन लेवल और है। और जो आपने बात की कमर्शियल की, मैं सर बच्चों को सर एक ट्रेनिंग कराता हूँ एक्टिविटी ना, हाथ रखो सीने पे हाथ रख लिया, मैं कहता देखो ये धक धक की या टक टक की आवाज़ है, वो धक धक में टक टक में बहुत फर्क है, वाह जी वाह, धक धक तो ये धक धक खत्म हो गया है, अब ये टक टक रहेगी, टक टक रहेगी, वी आर नॉट ह्यूमन, सांसें मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात, सर आप दिल के लिए मौत, आपकी बातें बड़ी खूबसूरत है, नहीं सर दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। सर आखिर में छोटा सा रैपअप करते हैं, मुझे किताबें बताइए दानिश, आप भी माशाल्लाह सर, आप इसकी बात मैं आपसे सवाल करूँगा, कोविड में या कोविड से पहले जो किताबें, क्योंकि आपने हमने चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो डिजिटल हो, मैं बात है कि पढ़ना है, किताब का फॉर्म बदला है चाहे वो पेपर हो या डिजिटल हो, लेकिन किताब तो पढ़नी है ना, अगर कोई बंदा चाहता है ये मैंने किताब नहीं पढ़ी तो मैं समझता हूँ कि यार आपने अपने आप के साथ बड़ा जुल्म किया, और रिसर्च कहती है हार्वर्ड की कि एक एवरेज सीईओ ग्लोबल सीईओ जो होता है वो 50-60 बुक्स पर एनम रीडिंग करता है, आपने कौन सी किताबें पढ़ी, दो दिन रिकमेंड करें सर इस पे, मैं मतलब जो बेसिकली सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें कोई भी जो आप समझते हैं कि जाज ये रियली इट इज रियली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर मी एंड फॉर एनीबॉडी एल्स, वो मैंने एक बेसिकली किताब पढ़ी थी डाइंग हैबिट्स बेसिकली, ओके वो थी बेसिकली रिचर्ड समथिंग था, वो यूएसए की बेसिकली किताब थी, वो बेसिकली बता रहा था कि विद टाइम मतलब ओवर द कोर्स ऑफ जिस तरह जमाना बदला, कौन कौन सी अच्छी हैबिट्स आहिस्ता आहिस्ता डाई होती गई और उनके क्या क्या रीजंस थे, और ओके ये एक बड़ी अच्छी किताब थी जिसने शायद मुझे रियलाइज़ करवाया कि यार कौन सी हैबिट्स हैं जो डाई हो वाकई हो चुकी हैं और जिनको अब अडेप्ट करना चाहिए फॉर एक्सेलेंस या ब्रिलियंस, ये एक बड़ी डाइंग हैबिट्स, हाँ डाइंग हैबिट्स बेसिकली थी वो। गुड सर, सर ओवर टू यू सर, एक दो किताबें। सर मैंने बड़ी एफएससी में शायद उस वक्त पूरी समझ भी नहीं आई थी मुझे, वो रूट्स मैंने पढ़ी थी मोटी देख के, मैंने पढ़ी थी कि यार बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी चाहिए, तो वो मैंने दोबारा उसको एलेक्स हेले की जो किताब थी रूट्स उसको वो पूरे उसमें एक ही दफ़ा ख़त्म कर सकता है बंदा उसको, क्या बात।
और मेरे जो पसंदीदा हैं जी, मंटो है जी, पितरस बुखारी है, मुश्ताक। मंटो में कौन सा पढ़ा है जो दिल के पास है? मंटो, मंटो के क्लासिक्स हैं 8-10। अच्छा जी, मंटो का जो मैंने पढ़ा है, शायद पता नहीं आप, मैं नहीं कहता आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन गैर अहम देख के आपने कहीं उसको, दिवाली के दिए जी, उसका एक अफसाना है जी। अच्छा, दिवाली के दिए, एक कागज का सफा, एक कागज का अफसाना है जी, वो आपने जरूर पढ़ना जी, दिवाली के दिए। एक कागज के एक साइड के ऊपर जितना लिखा जाता है, एक खत जितना, उतना उफसाना है पूरा, बस दिवाली के दिए। और मर्दों के अलावा मुश्ताक अहमद यूसुफी मेरे बहुत जी पसंदीदा राइटर है। थोड़ा सा मुझे नासिर काज़मी को भी पढ़ने का शौक है, थोड़ा सा मुनीर नियाज़ी साहब मेरे बड़े पसंदीदा हैं, फराज अपना किताबों के अलावा मुझे ये बताएं कि मूवीज आजकल जो से जैसे पुरानी मूवीज हमें छोटे होते हम गन्स ऑफ नेवर आंसर, ये वो इस किस्म की बड़ी कमाल की मूवीज आती थी, फिर एक जेम्स बॉन्ड की सीरीज हुई, सेम सीकॉन, आपने कोई मूवीज में आपने कोई जैसे कुछ केस स्टडीज हैं, जैसे मैकडॉनल्ड के ऊपर फाउंडर मूवी बनी, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी, ठीक है, जैसे इंडिया ने गुरु मूवी बनाई एंटरप्रेन्योरशिप पे, एनी टू थ्री मूवीज विच क्लोज टू योर हार्ट? जो मुझे बेसिकली जो पर्सनली या सेल्फ डेवलपमेंट में थी वो थी बेसिकली टॉयलेट, शायद आपको याद होगा, जो इंडिया की जो वो बड़ी मजी, वो बेसिकली बड़ी डिफरेंट एक सब्जेक्ट था और बहुत अच्छी थी, जिसने बेसिकली बहुत लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा बेसिकली इशू था, वो बहुत अच्छी मूवी थी जो बेसिकली देखी। इसके अलावा और बेतहाशा हैं, काफ़ी हैं। आपने वो 20 करोड़ इडियट्स देखी, 3 इडियट्स से मशहूर? जी 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 जी, नहीं 3 इडियट्स तो देखी, 20 करोड़ इडियट्स नहीं, 3 इडियट्स बेसिकली देखी, वो देखी, वो 20 करोड़ इडियट्स आने वाली है, वो मैं बना रहा हूँ, आप दोबारा से कोई देखी है गॉडफादर 1 और 2, मैंने दोबारा देखी है, और मुझे वैसे जितनी अच्छा उसको बंदा स्टोरी के तौर पे नहीं, मैं एक्टिंग के तौर पे और उसके एग्जैक्टली डायमेंशन। सत्यजीत रे थे, किसी ने पूछा था कि आप एक फिल्म कितनी दफ़ा देखते हैं, उसने कहा जी मैं 7 दफ़ा, उन्होंने 7 दफ़ा क्यों देख, उसे एक दफ़ा मैं स्टोरी देखता हूँ, एक दफ़ा मैं आंखें बंद करके सुनता हूँ, एक दफ़ा मैं आवाज़ बंद करके सुनता हूँ, तो बड़े एंगल होते हैं उसमें, तो वो मैंने देखी। गुलजार की मूवी पसंद है? गुलजार की जी मुझे, हाँ जी हाँ जी, मेरी हीरो हो गई गुलजार को, मैं रिसाइट भी तो गुलजार जी क्या बात है, इजाजत देखी होगी, हाँ जी इजाजत देखी जी, क्या याद है, क्या एक से एक, बहुत एक से एक है जी, उसका लिखना का दाज ही बड़ा सर, वो आखिरी रह गया जी, मतलब अब उसका जो ये भी लिखता है कि ये बीड़ी जलाई ले और दूसरी तरफ वो दूसरी इंतहा पे चले जाता है सर, तो वो गुलजार के अंदर इतनी मतलब डायमेंशन और इतनी वसत और वैरायटी हो सकती है कि अब उसकी नई फिल्म आई है गुलजार की, उसकी बेटी ने बनाई है, प्रोड्यूस की है, मैंने थोड़े दिन पहले देखी है। अच्छा। मुझे नाम उसका भूल गया, गुलजार आप ज़रूर देखिएगा, क्यों बहुत अच्छी फिल्म है, उसके ऊपर है ये गुलजार की बेटी की क्रॉस जेंडर के ऊपर है, नहीं ये एसिड वो जो विक्टम्स उनके ऊपर, सर बहुत खूबसूरत फिल्म है, नाम मुझे मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको सर मुझे बताइएगा, आखिरी 2-3 शॉर्ट फायर है, रैपिड फायर है जी सर, नाजिया तेरी क्वेश्चंस करने हैं, रैपिड फायर है छोटा सा सर प्लीज सर, ये व्हाट इज इश्क, वन लाइनर? बचपन का इश्क तो ज़हन का फतूर होता है, इश्क मतलब मैंने वो इश्क भी किया हुआ है, वो जो बचपन वाला होता है, फतूर होता है मेरे ख्याल, और इश्क बेसिकली मैं इसको कोई ये नहीं समझता कि कोई जो लव एट फर्स्ट साइट होता है वो आपकी वो एक लाइक वो एक फैचुएशन वो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इश्क बेसिकली मुझे लगता है कि वो कमाना पड़ता है और इश्क जो है वो फिर करना पड़ता है, इश्क फॉर ग्रांटेड नहीं होता जी किसी जगह, आपको कमाना पड़ता है इश्क अपना, इश्क कम जर्फ का काम नहीं है, इश्क इतना सहल नहीं है जी, ये मतलब इश्क करना जो है ये
आपको मैं क्या समझाऊं, थोड़ी सी बात हो, बड़ी लंबी बात हो जाएगी सर। मैं ग्लव्स है, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। औरत सर, फिलॉसफी ऑफ वुमन, औरत की फिलॉसफी क्या है? मेरे ख्याल में ऑनेस्ट जवाब दूंगा मैं, इंसान की जिंदा रहने की सबसे बड़ी रीजन इंसान की जिंदा रहने की सबसे बड़ी रीजन, सबसे बड़ी वजह मोहब्बत। एक दूसरी बड़ी वजह जिंदा रहने की है, और जो मोहब्बत बेसिकली, मैं उस मोहब्बत का कायल नहीं हूं कि जो आपको हो जाती है, मैं उस मोहब्बत का कायल हूं जो आप कमाते हैं, और कमाई उस तरह से जाती है कि जो आप करते हैं वो फिर आपकी तरफ वापस आती है मोहब्बत। और मोहब्बत कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई इश्क तक महदूद नहीं है, मोहब्बत तो बड़ी एक, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर कोई इश्किया गाना सुनता हूँ तो वो मेरे दिन में मेरी माँ होती है, तो मतलब मैं उसको सामने रख के सुनता हूँ, मेरा मेरा इश्क वो है, मतलब महबूब है मेरा। सॉरी धोखा, धोखा बहुत कॉमन है। तरक्की पसंद, सॉरी बहुत सारे इसके मतलब है, एक मतलब नहीं तरक्की का, कि हम तरक्की किसको कहते हैं, रिलेटिव तरक्की, रिलेटिव है, पता नहीं आप तरक्की किसको कहते हैं, मैं तरक्की किसको कहता हूँ, पता नहीं। सकून, अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, अल्टीमेट अल्टीमेट कमाई और आपकी जिंदगी की जो असास है वो है। अगर ना मिले ना अल्टीमेट पीस ऑफ, जो जो होता ना बोला ना, ये जो बोला ये इसे कहते हैं जी पीस, पीस ठीक है जी, और ये इसको कहते हैं मेंटल पीस जी, मेंटल पीस, पीस ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट, अल्टीमेट। और मैं इसका कहता हूँ अगर ये ना मिले तो फिर पीसेस ऑफ माइंड, पीसेस ऑफ माइंड, बेसिकली मुझे लगता है सारी दौड़ ही जो है वो अच्छा रहनी भी चाहिए, आपको आपको भागना इसके लिए चाहिए कि आपको सुकून चाहिए, और सुकून आपको तब मिलेगा जब आप कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा करने के लिए था अल्टीमेट आउटकम जो है उसका, वो तब मिलेगा आपको जाके, वो ना हो कि डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला, सारी जिंदगी ये काम करते रहे तो फिर भी प्यासे ही निकले, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिंदगी सर। खुदा सर आखिरी है इसके बाद, खुदा सर एक देरीना साथी, अधेले ही जाना है, है जी अधेले ही जाना है, देरीना साथी, देरीना। एनी फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड, मैसेज फॉर द यंग पीपल, दानिश फॉर द यंग, आजकल के उनको क्या मोटिवेशनल या एक ऑप्टिमिज्म का मैसेज आप शेयर करेंगे? ऑप्टिमिज्म का मैसेज बेसिकली मैं यही शेयर करूंगा, स्पेसिफिकली इस कोविड के बाद तो ये और सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि और ऑथेंटिकेट हो जाता है कि फेथ शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बेसिकली बिलीव करें, जो होपलेसनेस है, नेगेटिविटी है, मेरा मानना ये है कि इवन जो आपको बेसिकली होप बंदा दे भी रहा होता है वो भी अंदर से होपलेस होता है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड कर रहा होता है कि शायद मैं लोगों को बताने से मेरे अंदर भी वो पॉजिटिव एस्पेक्ट, या मैं भी बेसिकली होपफुल हो गई, तो होपफुल रहना चाहिए, फेथ में ज़्यादा यकीन करना चाहिए, और हर चीज़ का बेसिकली एक पॉजिटिव आउटकम देखना चाहिए, डिस्पाइट कि सिचुएशन नेगेटिव है लेकिन उसका पॉजिटिव आउटकम देखें कि उसके बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं सिचुएशन के, तो फिर आप होपफुल रहेंगे। ज़बरदस्त सर, बिफोर वी बैक लीव सर, और आज रैप अप करें, कुछ फैज़ को गालिब इकबाल जो आपको समझते हैं ना, कुछ जस्ट पीस, जैसे मैं अक्सर मुझसे कुछ बोलता तो मैं बगैर आधा जुमलों में शुरू कर देता हूँ कि जो फैज़ अहमद फैज़ कहते थे कि भोले से चले बाद नसीम, किसी बीमार को बेवजह करा रहा है सर, कोई आपका कोई मैं आपको इश्किया सुना देता हूँ, इश्क की बात हो रही, तो फराज की मैं चंद आपको दो चार, ये बड़ी समझने की बात हो गई, ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी है, फराज तुझको ना ही मोहब्बतें करनी, ये कुर्ब क्या है कि तुम सामने हो और हमें शुमार अभी से जुदाई की सातें करनी, ये बड़ी गहरी बात है। प्लीज, प्लीज, प्लीज। कोई खुदाओं के पत्थर नहीं, सब अपने अपने करीने से मुंतजर उसके, किसी को शिकवे किसी को शिकायतें करनी, कोई खुदाओं के पत्थर जिसे भी हम चाहें, तमाम उम्र उसी की इबादतें करनी, फराज कभी नए मौसमों में रो देना, कभी तलाश पुरानी रफाकतें करनी। सर वो आती है फराज की आपको, दो लाइनें
लोग उसे आंख भर भर के देखते हैं। हाँ जी वो अच्छा नहीं मुझे, मैंने रिसाइड भी की है लेकिन वो आप सुनाएं जी, मुझे इस वक्त शायद वो करनी पड़ेगी। हाँ जी हम तो कहते हैं कि जो फासले से मिला करो, ये तो आजकल कोविड के वाले से मेरा फ्रास की है ये फ्रास की लोगों ने बड़ी इसका कोई हाथ भी ना मिलाएगा। मुझे मुनीर नियाज़ी की मुझे एक बड़ी पसंद है जी, एक तीन लफ्जों की कि सुन नहीं कुड़िए जहर दिए पुड़िए, मैं टुर जावांगा हंस के बुलावेंगी रो के बुलावेंगी फेर नहीं आवांगा उच्चे आसमान दा तारा बन जावांगा। वाह वाह वाह, मुझे तो एक नाजिया जाने से पहले वही अमजद साहब अमजद की है लेकिन वो पहला मिसा करूंगा वही मैं दूसरी सुना दूंगा कि वो जो कॉलेज की सीढ़ियों से उतरती दानिश, पता नहीं आप ये जमाना गुजर गए आपने वो नहीं देखा होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में ना बकायदा चिड़ियाँ ऐसे कोई बैठते थे नीचे लोग, तो कहते वो कॉलेज की सीढ़ियों से उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही है, जैसे दिल में उतर रही है ऐसा इश्तिहार है। अच्छा बहुत खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है, बहुत नजर नहीं है, बहुत खूबसूरत है, मॉडर्न जहर मिलता रहा। ये क्लोज करने के लिए आज जुमला सर ये कॉपी के वाले से कि जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे, जिंदगी हमें आसमाती रही, हम जिंदगी को आसमाते रहे, जहू जब भी कभी जहन और दिल पे लगा जिंदगी की तरफ एक नया दरीचा खुला, हम भी गोया, ये सब शेर साहब डेडिकेटेड, हम भी गोया किसी, ये दानिश ये जरा सुन इसको आपने पिक करना है, हम भी गोया किसी सांस के तार हैं, रोज चोट खाते रहे, रोज गुनगुनाते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाइयों पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक यूं ही याद आते रहे। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच सर साहब और दानिश, आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू, आपका बहुत शुक्रिया।